नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। नैनीताल में एसएसपी का चार्ज लेते ही एसएसपी पंकज भट्ट एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने सभी चौकियों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं जिले में बढ़ते नशे को लेकर उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। साथ ही उन्होंने एसओजी की टीम को भंग करके दोबारा टीम का गठन करने की बात कही। हल्द्वानी पहुंचे नैनीताल जिले के एसएसपी पंकज भट्ट ने जहां कोतवाली समेत सभी चौकियों का स्थलीय निरीक्षण किया, तो वहीं बहुउद्देश्य भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि नैनीताल जिले में मुख्य रूप से नशे को लेकर पुलिस काम करेगी। वहीं उनका कहना है कि नशे का कारोबार जिस प्रकार से फल फूल रहा है, उस पर पुलिस पहले से ही कार्रवाई करते आ रही है। साथ ही चुनावों को देखते हुए पुलिस को पहले से ज्यादा सक्रिय किया जाएगा। बता दें कि चार्ज लेते ही एसएसपी पंकज भट्ट ने जिले की एसओजी को भंग कर दिया है, तो वहीं पूरी टीम को पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया है। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि मुखबिर तंत्र के साथ जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसी के आधार पर नए लोगों को एसओजी में जगह दी जाएगी। जो टेक्निकल हैं और एसओजी प्रभारी हैं, वो उनके अलावा जो बाकी जितने कर्मचारी हैं उनको बता दिया गया है, उनका संबंध भेज दिया गया है। और अब निश्चित रूप से एसओजी में वही आदमी आएंगे जिनके द्वारा लगातार बहुत अच्छा कार्य किया गया है। जो अच्छा लगातार साल तक प्रयास किए हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ की गई है। हम लोग दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, उसमें नशे के खिलाफ हम लोग निश्चित रूप से आगे जाके बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे, और मैं उनको मेरे खिलाफ होंडा के विस्तृत जैसी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी जो लगातार इसमें इनकी भूमिका रही है। दूसरा, ट्रैफिक को लेकर के ये हमारा स्टेट पर्यटन स्टेट है, हमारा जिला विश्व मानचित्र में पर्यटन के लिए जाना जाता है, इसके लिए हम पर्यटन कारोबारियों को पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारे द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।